फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिलगुड़ बाजरे की टिक्की। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बाजरे का आटा लिया है, 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, आधी कटोरी कच्चे तिल लिए हैं और 2 बड़े चम्मच हरी इलायची पाउडर डाला है। यहाँ पे 1 कटोरी गुड़ लेंगे और उसमें 2 चम्मच पानी डाल के इसको धीमी आँच पर पिघला लेंगे। गुड़ यहाँ पे हमारा पिघल के तैयार हो चुका है। अब इसको धीरे धीरे आटे में डाल के आटे मिक्स कर लेंगे। हम 2 चम्मच घी डालेंगे और इसको भी आटे मिक्स करके इसका एक सत्तू तैयार कर लेंगे। आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको ढक के 1 घंटे के लिए हम रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है। अब आटे को अच्छे से मसल के इसकी लोई तैयार कर लेंगे। लोई हमारी तैयार हो चुकी है। अब दोनों हथेली में हल्का सा घी लगाएंगे और लोई को हथेली के बीच में रखकर हथेली की सहायता से दबाते हुए इसकी टिक्की तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारी 1 टिक्की तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। यहाँ तेल हमने गर्म होने के लिए रखा था, तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम पहले 1 टिक्की डाल के चेक करेंगे कि टिक्की हमारी टूटती है या नहीं टूटती। टिक्की हमारी नहीं टूट रही है। अब इसमें हम दूसरी टिक्की डाल देंगे। 1 टिक्की हमारी तल के तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम सारी टिक्कियाँ तल लेंगे। देखिए हमारी सारी बाजरे की टिक्कियाँ बनके अब तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।